असलम व्यूवर्स हव आई यू ऑल होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज का हमारा टॉपिक है ओपन एट इट्स अ शॉर्ट स्टोरी विच इज डिटन बाई मंटू मंटू की जो बायोग्राफी है वी हैव डन दिस इन द लास्ट ओल्ड वीडियोज़ सो वी आर गोइंग टू डू द मेजर पॉइंट ऑफ द स्टोरी हम पूरी स्टोरी नहीं करेंगे बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम ये टू मच लेंथी स्टोरी है सो so, हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे मेजर पॉइंट्स करेंगे जिससे हमें पूरी स्टोरी समझ भी आ जाएगी और हमारा टाइम भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ओपन इट किस चीज के बारे में है ये पार्टीशन के हवाले हाँ से एक स्टोरी है फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर सिराजुद्दीन सकीना सिराजुद्दीन वाइफ एट वॉलंटियर्स एंड डॉक्टर सकीना कौन है शी इज डॉटर ऑफ सिराजुद्दीन शी इज सेवनटीन ईयर्स ओल्ड सिराजुद्दीन वज टूक ट्रेन फ्रॉम अमृतसर एट टू पी एम इन आफ्टरनून आफ्टर एट आवर्स टू रीच मुगलपुरा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये स्टोरी थी पार्टीशन के हवाले से तो अमृतसर से उन्होंने ट्रेन लिया एज अ पैसेंजर सिराजुद्दीन बैठे अपनी फैमिली के साथ आफ्टर एट आवर्स उन्होंने मुगलपुरा पहुंचना था एट टेन इन मॉर्निंग सिराजुद्दीन ओपन इज आइज़ इन द रेफ्यूजी कैम्प नेक्स्ट डे टेन इन मॉर्निंग टाइमिंग उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को कहाँ पाया रेफ्यूजी कैंप में सिराजुद्दीन कंजेकेटिवली फॉर थ्री आवर्स कॉलिंग सकीना कंजेकेटिवली थ्री आवर्स के लिए लगातार वो पुकारते रहे अपनी बेटी का नाम लेते रहे आफ्टर सिक्स डेज सिराजुद्दीन रिकवर्ड हिज सेंसेस सम वट छह दिनों के बाद सिराजुद्दीन ने अपने आप को रिकवर किया अपनी सेंसेस को रिकवर किया देन सिराजुद्दीन मेट टू पीपल हु वर एट वॉलंटियर्स आस देम टू फाइंड हिज डॉटर सकीना जब उन्होंने अपने आप को कुछ रिकवर किया तो वो कुछ लोगों से मिले जो कि एट वॉल्टियर्स से और उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछा आफ्टर सम डेज फोर मैन वर कैरिंग अ स्ट्रेचर सकीना वॉज फाउंड ऑन द ट्रेन ट्रैक द मैन हैंडेड द गर्ल टू द हॉस्पिटल। सिराजुद्दीन इज बिकम हैपी वेन ही फाउंड द सकीना अ लाइफ सिराजुद्दीन स्क्रीम्ड विद अनबाउंडेडली जॉय सिराजुद्दीन ने जब देखा कि उनकी बेटी अलाइव है जिंदा है तो वो खुशी के मारे चीखने लग गए और उनको कुछ लोगों को वो मिली थी अमृतसर के ट्रेन ट्रैक पे तो वो उसे लेकर आए हॉस्पिटल और इसके थीम्स क्या हैं अफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन क्योस एंड हेल्पलेसनेस लव ऑफ फैमिली सकीना एंड हर फादर व रन अवे बट दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर हर फादर वॉज गो टू रेफ्यूजी कैम्प इन लाहौर वाइल सकीना वॉज लेफ्ट इन अमृतसर अब वो एक दूसरे से अलग किस तरह हुए की सकीना और उसके फादर जो है वो सेपरेट हो गए एक दूसरे से रास्ते में ही और इस तरह सकीना अमृतसर में रह गई और उसके जो फादर थे वो लाहौर पहुंच गए रेफ्यूजी कैंप में सकीनाज डिस्क्रिप्शन बाय हर फादर शी इज फेयर वेरी प्रिटी अबाउट सेवेंटीन ईयर्स ओल्ड बिग आइज अब उसके फादर क्या कर रहे हैं कि उसके डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं किसको एट वॉलंटियर्स को शी हैज़ बिग आइज ब्लैक हेयर अमूल ऑन द लेफ्ट चीक ये उसके डिस्क्रिप्शन बताइए उसके फादर ने ताकि वॉल्टियर्स को उसे ढूंढने में आसानी हो वाई डॉक्टर स्वेटिना कोल्ड अब इस पॉइंट का हम देखेंगे कि आगे ये पॉइंट क्या है डॉक्टर स्वेट इन कोल्ड एज अ रिएक्शन टू सिराजुद्दीन इग्नोरेंस ऑफ वायलेंस दैट हिज डॉटर एक्सपीरियंस अब सिराजुद्दीन ने डॉक्टर को क्यों स्वेटिंग हुई वो बिल्कुल कोल्ड क्यों पड़ गए क्योंकि वो देख रहे थे कि सिराजुद्दीन ने इस चीज को नेग्लेक्ट किया कि उनकी जो बेटी है वो किस किस वायलेंस से या किस हेल्पलेसनेस से गुजरी है द अदर रीजन वन सकीना वॉज हाफ डेट बट शी लोअर हर अंडर गर्मेंट डॉक्टर फेल्ड द हेल्पलेसनेस ऑफ दिस गर्ल अब डॉक्टर को किस लिए स्वेटिंग हुई थी इस वजह से क्योंकि कोल्ड स्वेटिंग हुई थी क्योंकि इसके दो रीजनस थे एक तो उसके फादर को उसकी हेल्पलेसनेस नजर नहीं आई उस लड़की की उस बच्ची की और सेकेंडली ये कि डॉक्टर जो है उसकी हेल्पलेसनेस को देख के उसकी हालत को देख के उनको स्वेटिंग हो गई थी तो विवर्स हमारा टॉपिक एंड हो चुका है मुझे यकीन है आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आ गया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच